रतन टाटा का पार्थिव शरीर घर लाया गया है। कोलाबा स्थित घर पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। लोग आज अंतिम दर्शन कर पाएंगे। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन होंगे। तो देखिए, लगातार जो तस्वीरें भी वहाँ से आ रही हैं, क्योंकि रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, राजकीय सम्मान के साथ में उनकी विदाई होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम दर्शन के लिए जाहिर तौर पर लोगों का एक जमावड़ा लगने वाला है, लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि उनसे मिलने की ख्वाहिश हर किसी के रहा करती थी। अब क्योंकि ये आखिरी बार मौका होगा जब उनसे कोई मुलाकात कर पाएगा। हालांकि वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उनके आखिरी दर्शन के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। रतन टाटा अब नहीं रहे। अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक रतन टाटा का पार्थिव शरीर को एनसीपीए में रखा जाएगा। उसके बाद नरीमन पॉइंट के एनसीपीए से रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली लाया जाएगा और पारसी रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार होगा। रतन टाटा का पारसी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शरीर को मुंबई के कोलाबा में उनके बंगले में रखा गया है। सुबह 9:45 पर उनके पार्थिव शरीर को कोलाबा से एनसीपीए ले जाया जाएगा। कोलाबा से एनसीपीए की दूरी है 2 किलोमीटर और इसके लिए मुंबई पुलिस ने बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया है।